हमारा हार्ट यानी दिल प्यार दया और सहानुभूति का प्रतीक है। हार्ट हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा काम करने वाले ऑर्गन्स में से एक है। ये लगभग 1 लाख किलोमीटर लंबी ब्लड वेसल्स में से ब्लड पंप करता है। ब्लड वेसल्स को अगर एंड टू एंड जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट वेसल्स अर्थ को 2.5 बार घेर लेंगी। इस पावरफुल मस्कुलर ऑर्गन का साइज हमारी फिस्ट के बराबर होता है। जनरली हम हार्ट का सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो कुछ इस तरह का दिखता है, लेकिन वास्तव में हार्ट सिमेट्रिक नहीं होता। इसका लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट से ज्यादा मस्कुलर होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में जानेंगे। हार्ट आपकी चेस्ट के ठीक बीच में होता है, लेकिन इसका लेफ्ट पार्ट बड़ा होने के कारण ये लेफ्ट लीनिंग होता है। ह्यूमन हार्ट के एनाटॉमिकली करेक्ट मॉडल में वर्टिकल सेप्टम लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करता है। सामने से देखने पे हार्ट का लेफ्ट साइड ये होगा और राइट साइड ये होगा। हार्ट के लेफ्ट साइड में 2 पार्ट्स राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। इन दोनों पार्ट्स को ट्राइकस्पिड वेल्व एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। हार्ट के लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल नाम के 2 पार्ट्स होते हैं जिन्हें बाइकस्पिड वाल्व एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल्स को ओवरऑल चैम्बर कहा जाता है। इन चैम्बर्स में ब्लड ज्यादा देर तक नहीं रुकता। हार्ट में आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाफ बीट से ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुकता। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से ऑक्सीजनेट करने के लिए लंग्स में पंप हो जाता है। राइट एट्रियम 2 बड़ी वेन्स से कनेक्टेड होती हैं। बॉडी के अपर पार्ट से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए सुपीरियर वेना केवा होती है और बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए इन्फीरियर वेना केवा होती है। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स से सीधा कनेक्टेड होती है। इनमें पल्मोनरी वेल्व फ्लड गेट की तरह काम करता है। आपका लेफ्ट एट्रियम भी पल्मोनरी वेन्स के जरिए लंग्स से सीधा जुड़ा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा से कनेक्टेड होती है, जिन्हें एओर्टिक वेल्व अलग अलग रखती हैं। एओर्टा यानी महाधमनी का शेप बहुत बड़ा होता है। ये हार्ट के बाहर किडनीज और ब्लैडर तक फैली रहती हैं। हार्ट का लेफ्ट साइड ब्लड को एओर्टा में पंप करता है, इसलिए ये ज्यादा मस्कुलर होती हैं। आपके शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करने के लिए एओर्टा रिस्पॉन्सिबल होती है। हार्ट का लेफ्ट साइड बड़ा होने के कारण लंग का लेफ्ट लोब छोटा होता है। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है कि आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स का अरेंजमेंट कितना सटीक है? हमारा हार्ट मसल्स की 3 लेयर से बना है। अंदर की चेन्स और वेल्व्स पतली स्मूथ और मस्कुलर वॉल एंडोकार्डियम से कवर्ड रहती हैं। कुल मिलाकर आपका हार्ट मसल थिक मायोकार्डियम से बना होता है। ये सब कुछ पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। पेरिकार्डियम आपके हार्ट के मस्कुलर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। तो अगली बार अगर कोई दिल टूटने या पिघलने की बात करे तो उन्हें हार्ट के स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर के बारे में बताना मत भूलिएगा। हार्ट के 4 चैम्बर्स और कई तरह के वेल्व्स हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। क्या आपको हार्ट के अलग अलग पार्ट्स याद हैं? वीडियो रोक के हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखिए। करेक्ट लेबलिंग कुछ इस तरह है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हार्ट काम कैसे करता है तो इसके लिए ये वीडियो देखें।